कथी भेटलाय कथी भेटलाय प्रिया दलक ठंडा में दिक्कत हो ताई से कम्बल भेट गया दिक्कत नहीं हेतु कहियो ना अहाँ सब बताओ प्रिया दिल कम्बल ठंडी में दिक्कत दुबारे जे रही जथिन तिनकर नाम लिख लेबे फेर चलि अतै कमल हां हां दोसरा लट में जे एक सब के लिखा के गेल छलै भ गेलै बुझाय भैया हम कै गो किनह न करबो न नाम एक एकटा राखब हेलो जमा में नाम ऐसे बता गलिए इनका इनका पकड़ के ठार रह पिया मतलब इनका हाँ वही ना वही ना वही ना हाँ आऊँ सब का निम्हर बिल्कुल ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है सब लोग को जैसे पता है कि दो तीन दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड है और हमें लगा कि ये लोगों को ज़रूरत था बहुत ठिठुर रही थी कई दिन से हम अभी घर पे हैं कई लोग को देख रहे हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा ठंड है और ये बुजुर्ग लोग हैं बहुत गरीब है बहुत लाचार है कोई देखने वाला नहीं है तो हमें जितना शक्ति उतना भक्ति जो होता है कोई सरकारी फंड तो नहीं है लेकिन आज बहुत बड़ा दिन है हम महिलाओं के लिए क्योंकि आज सावित्री बाई फूले का जन्मदिन है आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था तो उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी थी महिलाओं के लिए तो हम चाहते हैं आज इस दिन को खास बनाने के लिए महिलाओं के बीच में हमने कम्बल बांटा है आज और सभी लोग से यही कहना चाहते हैं कि इसी तरह लोगों को मदद करें अपने क्षेत्र के लोगों के लिए ये कोई राजनीति पार्ट नहीं है ये समाज सेवा है जो एक लोगों के मन में होना चाहिए कि जहाँ भी कोई गरीब को देखिए या किसी लाचार व्यक्ति को देखिए तो उसे मदद कीजिए उसको राजनीति मुद्दा मत बनाइए या कोई दिखावा या कुछ ऐसा नहीं है। आज हम पत्रकार महोदय को इसलिए बुलाए हैं क्योंकि हम संदेश देना चाहते हैं कि हम कर रहे हैं तो आप भी कीजिए। अगर हम संदेश ये चीज़ अगर हम बाहर तक नहीं देते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे ही रह जाएंगे और देखा देखी से ये जागरूक हुआ कि अगर आज हम करते हैं तो कोई मेरे देखा देखी से और कुछ लोग को मदद कर पाएंगे मेरे से जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ और मैं बहुत बहुत खुश हूँ इन लोगों को खुशी के देखते हुए आज ये लोग जैसे खुश है बहुत सारे लोग को एक साथ हम नहीं कर पाएंगे खुश। प्रिया राज सामाजिक कार्यकर्ता जी नहीं इन लोग का आशीर्वाद बहुत रहता है और ये लोग हमेशा आशीर्वाद देती है इन लोग के लिए मेरे से जितना हो पाएगा हम करेंगे लोगों को खुशी के लिए चले धन्यवाद।